इस बीच खबर है कि यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा रहे ईरान के ड्रोन अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को भी अब तक ईरान की इस काबिलियत की खबर नहीं थी और वो ये सोच भी नहीं रहे थे कि ईरान के पास इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन हो सकते हैं। ईरान की अदावत इसराइल और सऊदी अरब से पुरानी है, इसलिए वो हमेशा इन देशों से जंग के लिए तैयार रहता है। अमेरिका का मानना है कि अपने लिए बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने के बाद ही ईरान ने पुतिन के साथ सौदा किया है। मतलब ये कि अपनी सुरक्षा करने के लिए भी उसके पास बहुत बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन मौजूद हैं। ड्रोन बनाने की तकनीक कुछ दशकों पहले तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। हालांकि जंग में ड्रोन का पहला इस्तेमाल इसराइल ने किया था। फिलहाल चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई बड़े देश ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये बात अमेरिका के होश उड़ा रही है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने नए सिरे से नीतियां बनानी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी जंग छेड़ने से पहले अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में शाहिद सीरीज के ड्रोन की कामयाबी है। जिस तरह शाहिद ड्रोन यूक्रेन में कामयाब हुए, ईरान की तरफ अमेरिका का नजरिया ही बदल गया। अब अमेरिका ईरान के बाकी हथियारों को भी परखना चाहता है। इसके अलावा उन सभी कारखानों का भी पता लगाने की योजना है जहां ईरान में हथियार बनाए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि ईरान की तकनीक से जुड़े वैज्ञानिकों पर भी नजर रखी जा रही है। इसराइल के लिए भी ये जानकारियां कम अहम नहीं है। इसराइल मान रहा है कि परमाणु बम बनाने पर भी ईरान में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात इसराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली है। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग का असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा, बल्कि पुतिन के हथियार अमेरिका के दिमाग पर भी वार कर रहे हैं। इधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन के खात्मे का इंतजाम कर लिया। सीमा पार से नशीले पदार्थ के साथ घुसपैठ करने वाले ड्रोन अब वहीं ढेर कर दिए जाएंगे, जिसके लिए सेना को मल्टी शॉटगन से लैस किया गया है। ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है। जानकारी के मुताबिक इसमें लगे आधुनिक रेडार सिस्टम की मदद से आसमान में उड़ते ड्रोन को करीब 5 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद जैमर उसे हवा में रोक लेता है और उसके साथ लगे मल्टी लॉन्चर से एक बार में 9 राउंड फायरिंग होती है, जिससे ड्रोन को जमीन पर गिरने में चंद सेकंड ही लगेंगे। खबर है कि इसे LOC पर तैनात सैनिकों को सौंप दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान ने कम से कम 25 बार ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की है और साथ ही उस पर भारी मात्रा में नशे की खेप पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में भेजने का आरोप है, जिससे निपटने के लिए भारतीय सेना ने अपने इस नए हथियार को सीमा पर तैनात किया है। इधर दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुए हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां का दौरा किया। हालांकि उनसे पहले ही वहां आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए, जिन्होंने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और MCD पर काबिज बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर मनीष सिसोदिया ने भी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसा खा देते हैं और उसके बाद में नीचे गिरा देते हैं, कुड़ा आप देखो। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए MCD चुनाव से पहले इस दौरे को सिसोदिया का पॉलिटिकल स्टंट बताया। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अब तक टाइम नहीं मिला, आज राजनीति करने जा रहे हैं। असल में कुछ दिन पहले गाजीपुर में कूड़े के ढेर की वजह से दीवार गिर गई थी, जिससे कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सिसोदिया उस जगह का दौरा करने पहुंचे।